अरे रेडियो बैग मैंने रख दिया, ये देखो नाश्ते में लगाया लड़का रोना ऐसे नहीं मारा, नहीं समझ मारा ना। चलो कोचिंग चलो जल्दी, टाइम हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स अभी हो रही है दोपहर और दोपहर के टाइम पे मैं खाने के साथ बना रही हूँ यहाँ पे चटनी। तो पुदीना और अमिया की मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। तो मैं जो थोड़ा सा यहाँ पे सूट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से जो है मैंने तो कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था और अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो यहाँ पे मैं भी सोचा अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए। तो अब यहाँ पे कपड़े फैलाने आ गई थी, तो यहाँ पे आजकल फर्स्ट फ्लोर ही पे मैं फैला रही हूँ कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी व्लॉग चैनल पर। फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर आई हूँ, देखिए यहाँ कपड़े मैंने फैला दिए हैं और ऊपर मैं यहाँ पे इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि नीचे तो अभी बात करना पॉसिबल नहीं है, टीवी चल रहा है तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी और अगर आई भी तो शायद कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा चाहिए ऊपर ही आ जाती हूँ और आप लोगों से बात कर लूँगी ऊपर आके। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैंने अभी यहाँ कपड़े फैला दिए थे अभी धो के, तो अभी आज मैंने पता है ना कि आज बाल जो है आज धोए नहीं अपने, ऐसे मैं डेली अपने बाल धो लेती हूँ और बृहस्पति को बाल नहीं धोते हमारे यहाँ, तो बृहस्पति को नहीं बाल धोती हूँ और दिन डेली बाल धो देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना बाल ऐसे हो गए थे जैसे बहुत ड्राई से हो जाते हैं, जैसे क्योंकि रोज़ रोज़ शैम्पू करने से ड्राई से बाल हो जाते हैं और लेकिन सुकून भी नहीं मिलता है जब तक बाल ना धो और ऐसे नहा लो तो बिल्कुल सुकून भी चैन नहीं मिलता है, सब देखिए जैसे नहाए ना बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे तो आज नहीं धोती बाल, तो आज मैंने बाल नहीं धोए। अब थोड़ी सी आज थोड़ी उलझन टाइप की लग रही है क्योंकि इतने दिन से आदत हो गई है रोज़ बाल धोने की। और आज जो है उसमें पता है आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उठने में क्योंकि कल रात में मैंने अलार्म मैंने लगाती थी, रोज़ मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, तो कल रात में मैं अलार्म लगाना भूल गई थी और ऐसे मुझे नींद आ गई थी, ऐसी आँख लग गई थी तो अलार्म बजा नहीं और एकदम से पता भी नहीं चला। तो ऐसे तो मैं रोज़ 6 बजे से थोड़ा पहले उठ जाती हूँ क्योंकि रौनक को फिर स्कूल भी भेजना रहता है तो और काम भी रहते हैं सुबह के टाइम पर बहुत सारे, लेकिन आज थोड़ा लेट उठ पाई क्योंकि अलार्म बजा नहीं और फिर मेरी एकदम से आँख खुली तो 6:15 हो रहा था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रौनक को भी उठाया और फिर जल्दी से उसका लंच भी रेडी किया, थोड़े बहुत काम किए तो उसको मैं भेज देती हूँ ऐसे स्कूल, तो आधे काम फिर उसके बाद ही मैं निपटाती हूँ, तो आज जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। तो अभी रौनक भी आ गया स्कूल से और उसको अभी मैंने खाना ना खिला दिया है, आज दाल चावल वही दाल चावल रोटी सब्जी बनता ही रहता है हमारे घर पर तो वही मैंने बनाया हुआ था और उसको मैंने खाना ना खिला दिया है, तो अभी नीचे रेस्ट कर रहा है और मैं अभी आ गई थी ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते नीचे देखते हैं क्या होता है। थोड़े से काम है अभी तो वही किचन का मैं निपटा लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्म लू चलिए पूछो मत, इतना इतनी भयंकर लू चलिए गर्म, तो इसलिए मैं कपड़े भी यहीं फैला देती हूँ क्योंकि इतनी गर्म लू चलिए कपड़े तो ऐसी इजी तरीके से सूख जाते हैं, तो मैं आज यहीं फैला रही हूँ और मतलब यहाँ पे धूप नहीं आती है, सेकंड फर्स्ट फ्लोर है तो तभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है पूछो मत, फिर भी ऊपर पूछते छत में तो बिल्कुल मन नहीं करते जाने, और झाड़ू के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा जाया करती थी मैं क्योंकि उस टाइम अच्छी लगती थी, तो अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जब ठंडा होता है तो जब जाड़ों का टाइम रहता है तो ऐसा लगता है कि जाड़े के दिन अच्छे थे, गर्मी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि गर्मी के दिन अच्छे हैं, लेकिन जब मौसम बराबर रहता है ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं तभी अच्छा लगता है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, पता नहीं धूप में तो क्या कितने लोग तो ऐसे खेतों में ही काम करते हैं और भारी धूप में लोगों का रोज़ का काम रहता है, कितने लोग तो ऐसे धूप में काम करते हैं कितनों का खेतों का भी काम रहता है, तो यही लगता है कि चलो हम लोग घर में हैं तो वही बढ़िया इतनी धूप में, और ऐसे सोचो तो फिर उन लोग को भी बेचारों को क्या हाल होता होगा जिनको इतनी धूप में इतनी गर्मी में काम करना पड़ता है। अरे रेडियो बैग मैंने रख दिया, ये देखो नाश्ते में लगाया लड़का रोना नहीं समझ मारा, नहीं समझ मारा ना। चलो कोचिंग चलो जल्दी, टाइम हो गया है, टाइम हो गया, चलो ये साड़ी है जल्दी आओ, अभी मैम से शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी, बहुत सता नहीं देता घर में, और मैम कहती है कि स्कूल में बिल्कुल सता नहीं देता, ये वही शख्स है ये ध्यान से देखिए जिसके लिए मैम बोलती है स्कूल में कि बिल्कुल सतानी नहीं देता है, इतना मतलब स्कूल में इतना सीधा साधा बना रहता है, यहाँ से देखो इनकी सतानी। चलो टाइम हो गया, चलो चलो जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो वो देखो ब्राउनी आया आज वहाँ लेटा हुआ है, जाओ ब्राउनी के साथ चले आओ छोड़ाएगा। बाय
जा रही हूँ फ्रेंड्स ऊपर पानी पेड़ों में देने के लिए। शाम हो गई है और पेड़ों में पानी डालने भी जाना है, तो ऊपर चलते हैं छत में। ये देखिए छिपकली की पूंछ भाग गई, गर्मी है। वाह पेड़ के हाल देखिए, सूख गए हैं सब। और इधर तो सूखे नहीं है क्योंकि जब टंकी भर जाती है तो इससे पानी आता है, तो यहाँ पेड़ों में चले जाता है जो बचा हुआ पानी होता है, मतलब तो यहाँ चले जाता है। बाकी यहाँ उसमें तो दूंगी नहीं पानी, तो इनमें और इन नींबू के पेड़ में, अमरूद के पेड़ में पानी डाल दूँगी। तो देखिए अमरूद पहले से थोड़े ग्रो हो गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ रानो को कोचिंग लेने के लिए, और देखिए ब्राउनी भी आया है। ब्राउनी ये कब आया मेरे पीछे मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो अभी हम जा रहे हैं रानो को कोचिंग लेने के लिए। फ्रेंड्स आज रौनक आ नहीं रहा था साथ में क्योंकि रौनक को लग रहा था मैं आई नहीं हूँ, मैम लोग झूठ बोल लिए, मजाक कर रही इसके साथ। रौनक क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा बोले झूठ बोल रहे हैं। ब्राउनी हो देखो, ब्राउनी भी आया आपको लेने के लिए। साइकिल चलाऊंगा। घर जाकर साइकिल चलाओगे? हाँ साइकिल चलाएगा भी। आ गई हूँ रौनक को कोचिंग से लेकर, तो आ गई हूँ अभी रौनक को कोचिंग से लेकर। और देखिए अभी रुअब्जा बनाया हुआ है मैंने, तो अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम पर। तो यही मैं हमारे घर में ज़्यादातर यही सब पीते हैं, तो थोड़ा अपने लिए बना लिया था और रौनक को भी मैंने दे दिया था, और बाकी लोगों को तो पीना नहीं था तो फिर अपने लिए और रौनक के लिए बना लिया था। ये पीलूंगी क्योंकि बाहर से हो तो फिर ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक और ये सब होते नुकसान करते हैं, लेकिन ये भी करती है क्योंकि इसमें शुगर होती है, इतना ज़्यादा नहीं करती है क्योंकि क्योंकि हाँ क्योंकि नेचुरल चीज़ें इसमें पड़े रहती है, जैसे गुलाब और क्या पड़ा रहता है, गाजर, ये सब मतलब मैंने देखा था ना उस पर, तो ये सब पड़ा रहता है। अब सुकून मिला। चलो चलते हैं, चलिए पानी तो दे दिया है पेड़ों में, चलिए चलते हैं नीचे। और अब चाय का भी टाइम हो रहा है तो चाय बनाते हैं, और देखते हैं आज मैं चाय के साथ पकौड़े बना रही हूँ आलू और प्याज की। तो चलिए चलते हैं नीचे। रौनक कोचिंग से आते ही चलाने लग गया था साइकिल क्योंकि फिर शाम का टाइम हो जाता है, वो सोच रहा था कि फिर कब चला पाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ साइकिल चलाने आ गया। ब्राउनी देखिए कितने मज़े से लेटा है कीचड़ में, उसको मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा क्या आ रहा है, बेचारा ठंडे से बचने के लिए वहाँ कीचड़ में लेटा है क्योंकि कीचड़ में जो पानी होगा ना तो वो ठंडा रहा होगा इसी वजह से। और यहाँ पर अभी शाम की बन रही है चाय, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो फिर मुझे पकौड़े भी बनानी थी, तो पहले मैं यहाँ पे बर्तन जो मैंने धोए हैं वही स्टैंड में लगा दूंगी। और यहाँ पे मुझे याद आया कि पकौड़ी भी बनानी है, भूल गई थी, तो मैंने इंडक्शन पे पहले चाय चढ़ा दी थी, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया इंडक्शन, तो मैंने सोचा कि पहले चलिए पकौड़े की तैयारी कर लिए जाए, तो क्योंकि चाय पकौड़ी फिर चाय पहले बन जाती है और फिर पकौड़े बाद में, तो मैंने इंडक्शन बंद कर दिया था। और यहाँ पर मैं अभी आलू और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ, तो आलू भी मैं छिल लूँगी यहाँ पे, थोड़ा सा प्याज भी जो है वो मैंने छिल लिया था, तो आलू और प्याज की भी पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल रख दिया है गर्म करने के लिए और चाय भी चढ़ा दी है, और यहाँ पे बनती है गरम गरम पकौड़ी। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं बना रही हूँ, कब से बनाई नहीं है मैंने, जब बारिश हो रही थी एक दिन तो उसी दिन बनाई थी, उस दिन के बाद आज ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पकौड़ी बन रही है अभी गैस पे, और चाय भी मैंने इंडक्शन में चढ़ाई हुई है, तो बस इनको मैं यहाँ पर पलट लूँगी, थोड़ी सी खड़ी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि अच्छी नहीं लगती है फिर। तो यहाँ पे पकौड़ी बन चुकी है, और यहाँ पे मैं पापा लोगों को चाय दे दूँगी, तो यहाँ पे मैंने चाय निकाल ली थी, और अभी रौनक को मैंने बुला लिया था अंदर, और यहाँ पे उसका थोड़ा सा होमवर्क रह गया था स्कूल का, तो वही करा रही थी, और कोचिंग का भी था तो वही होमवर्क उसको करा रही थी। तो मैं इससे पहले जो बच्चा मतलब जो भी होमवर्क मिला रहता है तो उनको समझ में आए कि क्या दिया है, बस लिखने से कुछ नहीं हो जाता है, तो समझ में भी आना चाहिए कि क्या होमवर्क है, इसका क्या मीनिंग है,
तो वही मैं इसको पहले समझा लेती हूँ और फिर इसको बता देती हूँ कि आप करो। तो वही मैंने एक रफ़ कॉपी ले ली थी, उसी में मैं इसको बता रही थी लिख के कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। और अभी मैं आ गई थी किचन में और रौनक को मैंने होमवर्क करने के लिए दे दिया था। यहाँ पे मैं तरोई की सब्ज़ी आज बना रही हूँ डिनर में, तो किचन में मैं जो तब तक खाना बनाती हूँ, रौनक भी अपना होमवर्क कर लेगा जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका, क्योंकि दोपहर में थोड़ा बहुत मैंने उसको होमवर्क करा दिया था। भी मैंने रख दिया है बॉईल होने इंडक्शन में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।